शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं नतीजों से। 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजों से पहले, जी हां, कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिल रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें कांग्रेस शानदार तरीके से जीत हासिल करती नजर आएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, जिन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर रैलियां की बल्कि पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में भी वो गई हैं, उनका दौरा वहां पर हुआ था और कई मुद्दों पर उन्होंने बात उठाई थी। तो प्रियंका गांधी की एक्टिवनेस, प्रियंका गांधी जिस तरह मजबूती के साथ खड़ी रही, इसका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार मुद्दों पर बात करती रही है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का, जो कि आखिरी चरण का चुनाव है, वो भी होने वाला है और उससे पहले विपक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर जनता को अपनी तरफ करने का काम तो किया है, लेकिन ऐसे में 7वें चरण में कांग्रेस अच्छी खासी सीटें उत्तर प्रदेश से निकाल सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।